अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेफ फैसल तानी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। पैसिफिक कुकिंग ऑयल से ठंडा खादा वाइटमिन ए ई डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल कर बेहतरीन कुकिंग ऑयल पंजन जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल हम जो रेसिपी ठे पी बिरयानी काफ़ी तरीके जो तक ठाण सिखारियन हैदराबाद की मशहूर फेमस बिरयानी है अकरम की बिरयानी जो कॉलर काफ़ी दफ़ा मुझे चई चुक तो वह बिरयानी तक ठाण सिखारा पर डिफरेंट है। मैं गाढ़ो मसालो या घर में जो नॉर्मल मसाला होंगे इनमें सिर्फ मिर्चन जो फ्लेवर होंद तिखी होंगी है थोड़ी बिरयानी लेकिन तमाम मज़ेदार होंगी है। मथा दाग डिबो है बसर जो सॉरी बसर ब्राउन इनके मथा यूज थो तो यो सब असाई पैसिफिक कुकिंग ऑयल से गुड सारी क्वान्टिटी मैं तक बाद में बुधाइंदम जैसे रेसिपी स्टार्ट थी। मिठो हाँ गर्मियों भी अचन पे दही जो इस्तेमाल भी असं ज़्यादा कहूँ तो मिठो ठाए पो फ्रूट योगर्ट ठीक है यानी फ्रूट वाली दही तो मिठी इनमें फ्रूट जो फ्लेवर हों चाहो तो खंड विझी सो न विझण चाहो तभी भी फ्रूट से इनको पाँच फ्लेवर इन में जैली जो भी यूज थो ठीक है। बई रेसिपी सुबह जो 11:05 रिपीट हल्दी कुकिंग विद शेफ से मुझे पेज है उत रेसिपीज अपलोड थी उन्हीं पेज से तुम मैसेजेस कर सोता लाइन जो अन मसलो हल पो जैसे क्लियर थी तुम बुधाइंदी तुम कॉल कर सोता। आज की जो रेसिपीज सॉरी आज की जो रेसिपीज बना रहे हैं पैसिफिक कुकिंग ऑयल के साथ वाइटामिन ए और डी से भरपूर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है अपनों का प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल बिरयानी बना रहा हूँ अक्रम की बिरयानी जो हैदराबाद की फेमस बिरयानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी तरह की बिरयानी बनती है लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मेथड डिफरेंट है, इसके स्पाइसेस डिफरेंट है लेकिन वही स्पाइसेस वही मसाले होंगे जो हम घर में यूज़ करते हैं। हाफ़ के जी की क्वान्टिटी में बिरयानी बनेगी और ईजी है, डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ जब स्टार्ट करूँगा ताकि टाइम को भी देखना होता है ताकि एंड तक हमारी रेसिपी कम्प्लीट हो जाए। फिर आप इसका पूरा मेथड सुबह 11:05 पर रिपीट होकर वहाँ भी देख सकती हैं। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज और रेसिपी अपलोड हो जाएगी उसी पेज पे आप मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस जो करते हैं वहाँ पे आप मैसेज करके कुछ भी फरमाइश कर सकती हैं, मैं ऑन ईयर आपको जवाब दूंगा। सेकंड रेसिपी फ्रूट योगर्ट बन रहा है, फ्रूट योगर्ट की रेसिपी मैं बाद में बताऊंगा कि लास्ट में हम बनाएंगे, बिल्कुल क्विक रेसिपी है तो बिल्कुल ईजी है ठीक है। चावर इतने बॉयल थे इनमें सेला चावर यूज़ थन्दा ठीक है। सेला चावर जो होंगे वो भी बटे क्वालिटी जहाँ सुठा वा वो जो 170-160 रुपये वा हूँ 120 रुपये वा सेला ना वो होंगे टुटी पैंता ठीक है। ये सेला चावल हैं अच्छे वाले जो 160-150 या 170-180 तक जो क्वान्टिटी में मिलते वो लीजिएगा। 120 वाले ना लिया करें वो हलवा बन जाते हैं, मोटे चावल होते हैं वो फूल जाते हैं अजीब से ठीक है। सेला चावल को कम से कम 2-3 घंटे भिगोना होता है उसके बाद इसको उसी तरह बॉयल करें ठीक है। 2-3 कलाक पिसाइण का वे पतीले में पानी बॉयल कौ उनमें 1.5 खाण जो चमचो 1.5 टेबल स्पून ठीक है लूण विझो 2 खाण जहाँ चमचा पैसिफिक कुकिंग ऑयल विझो बॉयल कौ पानी जैसे बॉयल थो चावर विझो चावर 8 मिनट पूरा टाइम होंगे एक कड़ी बॉयल करण जो 8 मिनट में घड़ी के ऐसा 8 मिनट में चावर बॉयल थन्दा कढ़ी छानी में रखी छो चावर तुझा तैयार थन्दा ठीक है। इसको बॉयल करने का तरीका बता देता हूँ, पानी ज़्यादा लें, चावल 3-4 घंटे भिगो दें सेला चावल उसके बाद ठीक है। बासमती चावल इतना ज़्यादा नहीं भिगोया जाता, 10-15 मिनट भिगोया जाता है बासमती चावल में सेला चावल में बनाइएगा ये बिरयानी। सेला चावल आपने बॉयल करने उसके लिए क्या होगा 1.5 टेबल स्पून आपने नमक गरम पानी में डालना बॉयल पानी में और 2 खाने के चम्मच पैसिफिक कुकिंग ऑयल डालना है पानी बॉयल होगा चावल डालें पूरे 8 मिनट टाइम होता है एक कनी बॉयल करने का 8 मिनट बाद आप निकाल दें छन्नी में डाल दें स्ट्रेनर में पानी ड्रेन हो जाएगा चावल आप बॉल में रख दें ठीक है। सभी का पहली छाता क्यों बसर क्यों था ब्राउन 3 अदद बसर खणंदासीं दरमियानी साइज़ जहाँ थोड़ा वड़ा हो जाए ठीक है। 3 अदद प्याज लेंगे दरमियानी साइज़ के और पैसिफिक कुकिंग ऑयल हम लेंगे इसमें 1.5 कप। इस चावलों में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ठीक है बाद में निकाल लूँगा, अभी मैं सिर्फ प्याज ब्राउन करने के लिए 1.5 कप ले रहा हूँ पैसिफिक कुकिंग ऑयल ठीक है। पैसिफिक कुकिंग ऑयल जो इनमें असं गरम कर बसर के बॉयल करना सॉरी बसर के ब्राउन करना विझू पे मुख्य जाती हुआ बसर के ब्राउन करना पैसिफिक कुकिंग ऑयल गरम कंदासी 1.5 कप बाद में थोड़ो कढ़ी वठंदासी वो ऑयल तां बाद में के बोर्ड में यूज़ कर सको था जी ऑयल गरम थो 3 असं इनमें विझंदासी बसर हाफ स्लाइस कटिंग थियल ठीक है। 3 अदद प्याज हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ मैं इसमें डाल रहा हूँ दरमियाने साइज़ के लेकिन बड़े साइज़ के बहुत बारीक ना हो प्याज ठीक है। उसको हमने ब्राउन करना है प्याज को इसमें तेज़ आंच पे, जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा इसको निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर जैसे हलीम के लिए प्याज हम ब्राउन करते हैं बिल्कुल वैसा प्याज होगा ठीक है। बिरयानी में प्याज नहीं जाएगा, ये प्याज का फ्लेवर जो ऑयल में जाएगा वही ऑयल हम बिरयानी में यूज़ करेंगे ठीक है। अच्छा इन लाइक मसाला खपन था वह असा ग्राइंड कर वूँ ठीक है। मसालन में इतने अदरक है थूम है नंढा फोटा उन सा गडन इनमें लौंग है जायफल जवैत्री है तो वो ये सब असा खाने शुरू क्यों था मसालों जो
ड्राई मसाला और ये सब जो इसमें डलेगा वो सारा फिर चिकन को हमने मैरिनेट भी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें, सबनी का पहली छावे चंदासी असा नंडा फोटा। ये अलग अलग दो तरह के मसाले बनेंगे इसमें। छोटी इलायची इसमें जाएगी 6 अदद, ठीक है, छोटी इलायची 6 अदद। लौंग हम डालेंगे 6 अदद, 6 नंडा फोटा और 6 अदद लौंग, ठीक है, छोटी इलायची 6 अदद और लौंग 6 अदद डाल दी। उसके बाद जायफल जावित्री जाएगी 1 खाने का चम्मच मिला के, ठीक है। इसका जो शेल होता है इसको तोड़ें। इसका शेल तोड़ने के बाद इसके अंदर से छालिया की तरह निकलेगा पीस, ठीक है। हेरी सोपारी वांगर यो निकली आया हुआ पीस इनके अंदर का जी खल जो होंगी है सख्त होंगी है या करी छो इनके हे अध अध खण जो, ठीक है। आधी आपने ये उठानी है, ये डाल देनी है, ठीक है। छाछा इनमें वो वरी बुधाई दो छा 3 शयूं मैं इनमें विधियो इन छाछा इन इनमें कारा मिर्च और सॉरी लौंग इनके सही फिक्स ना हुआ अच्छी तरह इसको पीस लेना है। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में अच्छी हो और इनके वरी इकड़े प्याले में कड़ी दूँ। ये देखें ये निकाल दिया पाउडर फॉर्म में, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बन गया। हे देखार जो मसालों हे देसो, ठीक है, इस तरह का ये मसाला बनेगा। 1.5 टेबल स्पून निकला है, ठीक है, ये मसाला इसको पूरा निकाल देना है। छोटी इलायची 6 अदद, लौंग 6 अदद, ठीक है, जायफल जावित्री 1 टेबल स्पून जितना, दोनों मिला के 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। छावी दो नंडा पोटा 6 अदद, लौंग 6 अदद, जायफल जावित्री आए जायफल जावित्री नंडा पोटा ये सब मिलाई असाते ठाया 1 चाय चमचे जितनी जायफल जावित्री खण दो 6 अदद नंडा पोटा और 6 अदद तुम लौंग खण दो इनके पीसे छो। हाँ वरी इनमें ग्राइंडर में असा छा विजासी इनमें विजासी सावा मिर्च, ठीक है, बसर इतने ब्राउन थे पे चंगी प्याज को अच्छा सा ब्राउन करें, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। हाँ वरी कंदी इनमें विजासी असा एकड़ो पेस्ट बो ठो इनमें सावा मिर्च नंडी छुरी करना तो हरी मिर्चों का ही फ्लेवर आता है, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 8 अदद, ठीक है, 8 अदद सावा मिर्च। हाँ हाँ अच्छी वा 8 अदद इसमें चली गई हरी मिर्चें क्योंकि हरी मिर्चों का ही फ्लेवर आएगा, ठीक है। इसमें इनसे गड इनमें वा लौंगी मिर्च ये भी तकरीबन 8 अदद, ठीक है, साबित लाल मिर्च 8 अदद, 8 से 10 कर लें क्योंकि ये स्पाइसी होगी बिरयानी। ये डालने के बाद ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी डालेंगे वरना हमें हो जाएगा। फिक्स ये चेंज है जो चाहती हूँ हीर ताली अला है फिक्सिंग में थोड़ो सेटिंग में आउट ना ना मिर्चन जे करे ना है सेटिंग इनजी करनी पाई थी ना अच्छा हे जड़े फिक्स थी वेंदी हलो ठीक है बसर असो इतने ब्राउन थी वो ठीक है बसर के ब्राउन करे कई गाल है थी वो वो फिक्स ना पी थे मशीन के मथा ठीक है अच्छा ही जी बसर ब्राउन थी इनके कड़ी टिश्यू पेपर के मथा रखा प्याज को आपने ब्राउन करना है और टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देना है क्योंकि इसका जो एक्सेस ऑयल होता है वो निकल जाए और ये अच्छा जैसे ही फ्राई थे लगन इनमें आखिर में थोड़ो लूण विझो 2 पिंच लूण 2 पिंच नमक डालने से क्या होगा क्रिस्पीपन आ जाता है प्याज में ठीक है चूल्हा बंद कर दिया और ये प्याज अब हमने निकाल देना प्याज निकाल के ये ब्राउन प्याज इसके ऊपर रखें बहुत ज़्यादा जलाएं ना खुद ही थोड़ा कलर आ जाएगा रखने से भी इसका
ठंडा होगा, ये क्रिस्पी हो जाएगा, बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए। टिश्यू के ऊपर निकाल कर पंखे के नीचे रखा करें। उससे क्या होता है कि जो बिरयानी आप बनाते हैं उसके अंदर जो ऊपर से प्याज डालते हैं वो क्रिस्पी होना चाहिए। अगर नरम नरम प्याज होता है तो मज़े का नहीं लगता। यही तरीका होता है हलीम के लिए भी प्याज बनाने का। ठीक है, इन्हें जो जेको आए ये छाणी का कटी था स्ट्रेनर से निकाल देते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने निकाल दिया प्याज, और इस प्याज को हमने, प्याज का जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ गया। ठीक है, प्याज जो बसर जो जेको फ्लेवर आए वो ऑयल में अची वा। हाँ, इनमें ऑयल जेको असाके घट करणो आ, ये रखूँ था ताकि थदो भी थी वो थोड़ो ऑयल जो एक्सेस जो वो भी निकली वो, ये असो तैयार थी वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल देते हैं ताकि एक्सेस ऑयल जो हमें काम नहीं आना चाहिए, जिसका ज़रूरत नहीं है, वो हम अलग करते हैं। टिशू ना हानी चंदा क्यों पानी ना हो जाए। ठीक है, हमेशा टिशू से क्लियर कर दिया करें। अब इसका हाफ ऑयल निकाल देते हैं, एक कप ऑयल रहने देंगे। ठीक है, चिकन को पकाने के लिए एक कप बिरयानी में एक कप ऑयल होना चाहिए, आधा किलो बिरयानी में। ऑयल कम होगा तो बिरयानी आपकी मज़े की नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ छा थी दो हे जेका है चिकन असा इनमें फ्राई कंदासी। चिकन को आपने फ्राई करना है। ठीक है, चिकन डाल के कवर कर देते हैं ताकि ये को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनके मां जूसर में करी तो वा ब्लेंडर जो असो इन में नप थी फिक्स ब्लेंडर में कर देते हैं। साबित हरी मिर्चें, ठीक है, इसके साथ इसमें लहसुन के जवे जाएंगे। थूम जी गणियों केती विझबियों तकरीबन अठ अदर। ठीक है, वड्यू आइन नंडियू आइन तो बारह करी छो, वड्यू आइन तो अठ विझी छो। अदरक असा इनमें विझंदी चॉप करें तकरीबन ब खाण जहा चमचा या टे खाण जहा चमचा कजो। अदरक जो फ्लेवर इनमें वधी केंदो। ठीक है, अदरक का जो फ्लेवर होगा इसमें ज़्यादा आएगा। दो से तीन टेबल स्पून आपने अदरक डाल देनी है। मेरे पास दो पीसेस थे और आठ जवे लहसुन के मैंने इसमें डाल दिए हैं। हरी मिर्चें मैंने इसमें कितनी डाली हैं, हरी मिर्चें इसमें हैं तकरीबन आठ से दस कर दें, ज़्यादा डालें। और साबित लाल मिर्च भी इसी क्वांटिटी में डालनी, इसमें ना हल्दी डलेगी ना इसमें धनिया पाउडर डलेगा, इसमें सिर्फ काली मिर्च और इन चीज़ों का ही फ्लेवर आएगा। ठीक है, अच्छा ब्रेक जो टाइम थो कारी नॉन जो भी शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, जैसे चिकन असा फ्राई थे पे ही मसालो ब्लेंड कंदासी, दही से अगर इंजन अंदर विझंदी वटूँ थे पे शॉर्ट ब्रेक। टेबल स्पून जितनी पीसेस ले लीजिएगा, कूटने हैं। ठीक है, ये सारे साथ एक साथ कुटावा जैसे होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट ना हो। उसके साथ लहसुन ले लें आठ जवे, और ये सब आपने ब्लेंड कर देने। ब्लेंड करने के बाद आपने दही डाल देनी, एक पाव दही इसके अंदर मिक्स करके, और ये आपने कवर कर देना है चिकन में डाल के, पकने देना चिकन हमारी गल जाए। 10 मिनट बाद हम इसमें राइस डालेंगे और स्पाइसेस अब इसमें डालेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, इनमें छाछा विधो वरी बुधाई तो छा दह अदर सावा मिर्च तिखा इन वधिक बारीक वारा तो अठ करी छो, बाकी दह थुला वारा जो फिका थोड़ा फिका हुंदा ये दह साबित या बारह भी करी सको था। साबित लौंगी मिर्च इनमें विधा दह अदर। ठीक है, अदरक जी पीसेस खणी वठजो तकरीबन टे खाने के चमचे जी अदरक हुजन खपे, अदरक जो फ्लेवर वधिक सुठो लगे तो इनमें। ठीक है, थूम जी गणियों देसी आइन तो बारह का पंद्रह खणी छो, हे चाइना वाली थुली है तो छह का अठ खणी छो, ये सब विझी ब्लेंड कजो। पानी ना विझो, कोशिश कजो उखरी मोरी में कुटी वो, उन दही में मिलाई छो, एक पा दही बगैर मिलाई जे दही में मिलाई चिकन में विझी छो, पहले चिकन फ्राई कई हुई। ठीक है, उनमें विझी छो, इनके कवर करे पंज मिनट पचन दीजो। हाँ इन दौरान असा इनमें छा विझंदी कारा मिर्च लूण, इसी दौरान हम क्या करेंगे इसमें नमक भी डाल देते हैं। डेढ़ खाने का चम्मच नमक हमने इसमें डाला था, और एक चाय का चम्मच नमक भर के हम चिकन में डालेंगे। ठीक है, एक चाय जो चमचो भरे विझंदी लूण चिकन में, डेढ़ खाने जो चमचो असा चावर में विधो है बॉयल कंदे मल। कारा मिर्च कुटियल इनमें विंदा अध चाय जो चमचो। ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच भर के डाल दिए। इसके साथ मैं इसमें डालूंगा गरम मसाला पाउडर,
एक चाय का चम्मच, एक चाय जो चम्मच गरम मसालों पाउडर, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें एक चाय का चम्मच, भर के थोड़ा बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है। और जाएंगे बादियान के फूल, बादियान के फूल ये स्टार शेप में होते हैं, ठीक है। हे ॾिसो बादियान जा फूल होंदा आहिनि, बिरयानी जी खुशबू जायको हिन खां ईंदो आहे, इहे हूंदा आहिनि स्टार शेप में, ठीक आहे। इहे मिली वेंदा आहिनि मार्केट में हर जॻह, बादियान जा फूल गुल हूंदा आहिनि बादियान। हे बि 10 खां 12 अदद विझी छॾिजो, हिन जे अंदरि हिन खां फ्लेवर ऐं खुशबू तमामु सुठी ईंदी आहे, ठीक है। बादियान के फूल डाल दिए, सफ़ेद ज़ीरा एक चाय के चम्मच से ज़्यादा करके डाल दें, बादियान के फूल 10-12 अदर डाल दें, हल्की आंच कर दें, ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है दही के पानी को, इसी में हमने चावल डाल के दम पे लगाना है, ठीक है। नमक डाल दिया 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच भर के डाला है, और ये जो मैंने मसाला बनाया था जायफल जावित्री 1 खाने का चम्मच मिक्स करके, और 6 अदद छोटी इलायची और 6 अदद लौंग, नंढा पोटा 6 अदद, लौंग 6 अदद, ऐं जायफल जावित्री मिलाई तक़रीबन 1 खां 1.5 चाय जो चमचो, इहे सभु मिलाई पीसे छॾिजो पाउडर फॉर्म में, इहो ॿिनि जे अंदरि हली वेंदो, ठीकु आहे। इहे बि आपने डाल देना इसके अंदर, और इसको अगेन मिक्स करते हैं, 5 मिनट इसको छोड़ देते हैं, ये मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। चिकन हमारी तैयार है बिल्कुल, पहले हमने इसको फ्राई कर लिया था, ठीक है। बाकी कसर जो थी चिकन का 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है, इसको पकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे, इसको दम पे लगा देंगे, ठीक है। ऐं ब्राउन प्याज जो बसर आए वो आखिर में जड़े असा डिस्प्ले कंदा आयो उते बिरयानी जेका मां ठाया पियो वो जड़े प्लेट में कढंदा आहिनि त मथा ब्राउन बसर विझी ॾींदा आहिनि, ऐं रायतो ठाहे ॾींदा आहिनि गॾु, रायते सां गॾु इहे खाइबा आहिनि। चावल बीफ में अगरि ठाहियो पिया त बीफ में बि ठहंदी आहे बिरयानी, ऐं चिकन में ॿिन्हिनि में मिलंदी आहे। अगरि बीफ में या मटन में ठाहियो पिया पोइ छा कजो, ऑयल में जॾहिं बसर ब्राउन करे कढी वठंदव पोइ चिकन या बीफ खे फ्राई कजो 2-3 मिंट, पोइ उन में पाणी विझी छॾिजो, ॻरी वेंदो 1 खां 1.5 कप पाणी विझी, जॾहिं बीफ ॻरी वञे तव्हांजो उन खां पोइ दही ऐं मसाला विझी उनखे पचाइजो, ठीक है। बीफ या मटन जो इसको पहले गला लीजिएगा, उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेस करना, इसी तरह आपने बनाना है, ठीक है। रेसिपी मां वरी रिपीट करायां थो, पोइ सेकेंड रेसिपी ते ईंदासीं। 1/2 किलो चांवर आहिनि सेला, सुठा वारा खणिजो सेला चांवर, 160 रुपए वारा, 150 वारा खणिजो, उहे 1/2 किलो 3 खां 4 कलाक पिसाए रखिजो, घटि में घटि 2 कलाक। उन खां पोइ पाणी बॉयल कजो, ऐं 1.5 खाइण जो चमचो लूणु, ऐं 2 खाइण जा चमचा पैसिफिक कुकिंग ऑयल विझी पाणी खे बॉयल कजो। उन खां पोइ चांवर विझिजो, 8 मिंट में चांवर बॉयल थी वेंदा, 1 कणी कढ़ी छाणी में जो पाणी निकिरी वेंदो, चांवर तव्हांजा तयारु आहिनि, ठीकु आहे। 1/2 किलो सेला चावल अच्छे वाले लीजिएगा, उसको आपने बॉयल करने का तरीका ये है कि पहले 3 से 4 घंटे, कम से कम 2 घंटे वरना 3 से 4 घंटे इसको भिगो के रखें, उसके बाद पानी बॉयल करें। उसमें 1.5 खाने का चम्मच आपने डालना है नमक, 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है पैसिफिक कुकिंग ऑयल, पानी बॉयल होगा, चावल डालें, 8 मिनट में 1 कनी बॉयल होता है चावल, 8 मिनट बिल्कुल इसका परफेक्ट टाइम होता है, चावल बॉयल हो जाएंगे, फिर उसको 1 कनी बॉयल हो जाएंगे तो उसको निकाल के अपने छन्नी में डाल देना, पानी निकल जाएगा, ठीक है। 2 कप पैसिफिक कुकिंग ऑयल गरम कयो, 3 गंढ बसर जूं हाफ स्लाइस कटिंग कयूं, उनके गोल्डन ब्राउन करे छॾिजो, आखिर में थोरो लूणु विझो, उनका क्रिस्पी थी वेंदो आहे, टिशू जे मथां कढी छॾिया आहिनि बसर, ऐं इहे बसर थधो थिए पियो हिते, जीअं ई थधो थी वेंदो बसर त पोइ हिनखे असां जॾहिं बिरयानी कढंदासीं, ॾिसो क्रिस्पी आहे, बिल्कुलु कड़क आहे बसर, ठीकु आहे, इस तरह क्रिस्पी हुअणु चाहिए। इस तरह आपने 2 कप ऑयल गरम करके पैसिफिक कुकिंग ऑयल, 3 अदद प्याज आपने गोल्डन ब्राउन करके इस तरह निकाल देना है, ठंडा कर देना है, और प्याज क्रिस्पी और बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जब आप इसको आखिर में निकालते वक्त थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगी तो वो क्रिस्पी रहेगा, थोड़ा 2 पिंच सॉल्ट डाल, उसी में से आधा ऑयल आपने 1 कप निकाल के सेपरेट कर देना, जो आपको एक्स्ट्रा कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। 1/2 कप ऑयल कढ़ी वठिजो, उनमें तव्हां 1/2 किलो या 3 पाव चिकन के थोड़ो फ्राई कजो, कवर करे छॾिजो, चिकन गरी वेंदी 10 मिंट में। पोइ छा कंदो, 10 अदद सावा मिर्च, 10 अदद लौंगी मिर्च साबित, थूम जी 8 ॻणियूं खणिजो वॾियूं वारियूं, ऐं बारीक आहिनि त 12 खणी वठिजो देसी, ठीकु आहे। अदरक वधीक खणिजो, 3 खाइण जे चमचे जेतिरी अदरक हुजणु खपे, हिन सभिनी खे ब्लेंड कजो या कुटे वठिजो क्रेमोरी में, पोइ 1 पाव दही में मिलाई उहो चिकन में विझी छॾिजो। कारा मिर्च पीठल या कुटियल 1/2 चांहि जो चमचो, लूणु 1 चांहि जो चमचो हिन जे अंदरि हलिया वियो, अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो विधो आहे, ठीकु आहे। ऐं हुन खां पोइ जेको मां हिन में मसालो हिकु विधो आहे गरम मसालो पाउडर, उहो 1 चांहि जो चमचो। हुन जे अलावा हिकु मसालो ठाहियो जंहिंमें 6 अदद नंढा पोटा, 6 अदद लौंग, ऐं जायफल जावित्री जो पाउडर 1 चांहि जो चमचे जेतिरो सभु मिलाई, ऐं उहो बि विझी छॾिजो, कवर करे छॾिजो, 10 मिंट में इहो तयारु थी वेंदो, पोइ हिन में चांवर विझंदासीं। इसका जो मसाला बन रहा है उसका तरीका बता रहा हूँ, पहले हमने प्याज ब्राउन करके निकाल दिया, फिर 1 कप ऑयल निकाल दें, 1 कप रहने दें, उसमें चिकन को डाल के गोल्डन फ्राई हल्का सा कर दें, उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लेंडर में या
जो मसाला कूटने वाला इमाम दस्ता होता है उसमें या सिल बट्टे पे 10 अदद हरी मिर्चें, 10 अदद साबित लाल मिर्च, 6 से 8 जवे बड़े वाले लहसुन के या छोटे देसी हैं तो 10 से 12 कर लें। अदरक के इतने पीसेस लें कि वो 2 से 3 टेबल स्पून जितनी ज़्यादा अदरक होनी चाहिए, ठीक है, हाफ कप जितनी अदरक हो जाएगी। सबको पीस लें मोटा मोटा, वो आपने दही में मिला लेना, एक पाव दही बगैर मलाई के उसमें मिला के आपने इसमें चिकन में डाल देना उसके साथ। अच्छा ये डाल रहा हूँ, साथ साथ मैं रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं चापे का इनमें चावल भिजा पे आधे किलो जिके चावल हुआ, ठीक है, आधा किलो जो हमारे चावल थे ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। चावल हिंजे मथा विजंदासी, चावल डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह हल्का हल्का सेट करें और इसको कवर करके हमने दम पे रख देना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा ऊपर से, इसको कवर करके हमने दम पे रख देना है। ये चावल हमारे दम पे चले गए, ठीक है, यहीं दम ते हलिया वेंदा, बिल्कुल ड्राई ना करो, पानी ग्रेवी हुजन खपे इन अंदर, 2 गिलास जितनी या 1.5 गिलास जितो घाटो कोरमे वांगर हों मथा चावर वेजो ही दम ते रखो 25-30 मिनट में तैयार थी, मिक्स करके कट जो, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि इसमें फिर हमने क्या करना है, दही के साथ जो मसाला पीसा था हरा मसाला और साबित लाल मिर्च ये सब मिला के वो डाल देना है। उसके साथ गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, जीरा 1 से 1.5 चाय का चम्मच डालना है, नमक 1 चाय का चम्मच डालना है और इसको आपने मिक्स करना है। फिर एक जो मसाला मैंने बनाया था जिसमें 6 अदद लौंग, 6 अदद छोटी इलायची, जायफल जावित्री 1 चाय का चम्मच जितना दोनों ले लीजिएगा एक पीस वो और थोड़ी वो, तो वो मिला के अपने पाउडर बना देना, वो पाउडर भी डाल देना और उसको कवर करके पकने देना। दही के पानी में चिकन और ये सारे मसाले पकते रहेंगे, फ्लेवर आएगा, नमक वगैरह सब डाल दिया होगा। उसके बाद आपने 10 मिनट बाद क्या करना है, जब 1.5 गिलास जितना आप देखेंगे शोरबा सा होगा गाढ़ा गाढ़ा, उसमें आधा किलो जो बॉयल चावल थे वो आपने डाल देने। मिक्स नहीं करना है, इसी तरह जैसे देग में पहले नीचे कोरमा होता है ऊपर चावल होते हैं, इस तरह आपने इसको कवर करके और दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम रखनी है जैसे दम पे रखते हैं, ठीक है। इसको हमने छोड़ देना है 25 से 30 मिनट। नॉन स्टिक है तो मैं इसको अखबार वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, वरना हम मलमल का कपड़ा भी लगाते हैं, वो आप जिस तरह बिरयानी का दम देते हैं वैसे कर दीजिएगा, ठीक है। ये रेसिपी असाई तैयार पी थी, आई हाँ मैसेजेस ॾिसूं था, उनखां पोइ असां मिठो बि ठाहियूं था। मिठे में छा आहे रेसिपी, मिठो त न आहे, हे हिकिड़ी दही आहे फ्रूट सां गॾु, तमामु सुठी आहे ॿारनि खे ॾियो, जेको ॿार फ्रूट नथा खाइनि दही नथा खाइनि त उन्हनि जे लाइ तमामु बहितरीन आहे इहा रेसिपी। ॿारनि खे दही हिन तरीक़े सां खारायो, ठीक आहे। फ्रूट में मां छा खयो, हींअर सीज़न आहे त स्ट्रॉबेरी जेका बि नरम फ्रूट हुजे, स्ट्रॉबेरी आहिनि 6 खां 8, 4 अदद केला आहिनि, हे चीकू आहिनि वॾा 2, ठीक है, 2 अदद चीकू ऐं बड़े स्ट्रॉबेरी है 6 से 8 ले लें, 4 अदद केले ले लें, जो नरम फ्रूट हो वो अच्छा होता है और सीज़न वाइज जो आपको फ्रूट अच्छा लगे पाइन एप्पल भी डाल सकती हैं, ठीक है। दही हमने यहाँ पे 1.5 पाव लेनी है मलाई के साथ, ये साशे में भी मिल जाता है, ठीक है, या हाफ पैकेट। साशे में क्या होता है, 1 कप के साथ जेली बनाई जाती है और जो पैकेट होता है वो 1 गिलास के साथ पानी के साथ जेली बनाई जाती है, तो मैंने साशे यूज़ किया क्योंकि हमें कम चाहिए, वरना उसका हाफ पैकेट यूज़ कीजिएगा 1/2 गिलास के साथ, ठीक है। ये जेली ग्रीन कलर की मैंने जमाई है क्योंकि कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। जेली जो तरीको ॿुधाई थो छॾियां, पैकेट मिलंदो आहे, साशे मिले तो वो 1 कप पाणी सां गॾु बॉयल करे उनमें डिज़ोल्व कजो ऐं जेली खे रखी छॾिजो, कलाक में जमी वेंदी आहे। अगरि पैकेट वारी यूज़ कयो पिया त हुन मां 1/2 पैकेट खणिजो, 1/2 गिलास पाणी सां गॾु, तरीक़ेकार तव्हांखे ख़बर हूंदो, जेली ग्रीन यूज़ कजो छाकाणि त कलर डिफरेंट हुजणु खपनि ऐं स्ट्रॉबेरी आहे ही सभु आहे। खंडु ऑप्शनल आहे, विझणु चाहियो त विझी सघो था, न विझणु चाहियो त फ्रूट जो पंहिंजो ई फ्लेवर हूंदो आहे। बादाम वेंदा आहिनि में थोरा हज़बे ज़रूरत, किशमिश खे साफ़ करे पाणी खां धोई पिसाए छॾिजो, किशमिश में 1 कप खां थोरी घटि वेंदी ऐं ॾूंगी जेका पीठल हूंदी आहे इहो वेंदी 1/2 कप, ठीक है। पिसावा नारियल 1/2 कप जाएगा, किशमिश 1/2 कप जाएगी, बादाम उसी क्वांटिटी में, हज़बे जो चॉप किए हुए, चीनी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमारी दम पे आ गई, तो हाँ अचूँ था मैसेजिस से, मैसेजिस वो ॾिसूं था, हुनखां पोइ असां स्टार्ट कंदासीं फ्रूट योगर्ट, ठीक है। फ्रूट योगर्ट बिल्कुल आसान आहे ऐं हिन खे तव्हां ठाहे सघो था, फ्रोज़न बि जेका हूंदी आहे आइसक्रीम वांगुरु फ्रूट योगर्ट हूंदी आहे, उहो बि तव्हांखे ठाहिण सिखंदासीं। फ़िलहालु हाली मां इहो ठाहियां पियो, जेके तव्हां फ्रूट सां गॾु हिन खे खाइणु सिखो। अच्छा फातिमा आहिनि, आई एम फातिमा मिरानी फ्रॉम इन केशर नवाब शाह, हाँ सॉरी फ्रॉम नवाब शाह, भाई आपका बहुत अच्छा शो है, थैंक यू फातिमा मिरानी। मारिया मजीद हैं, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, योर शो इज़ गुड, यू आर लुकिंग नाइस, थैंक यू मारिया मजीद। बाकी अना मैसेजिस अचन त पोइ ॾिसां थो, ठीकु आहे। ॿ मैसेजिस आहिनि, फ्रूट योगर्ट जेका इहो ठाहिणु शुरू कयूं था, इसके लिए एक साफ़ बॉल ले लें, बॉल क्लियर नहीं लग रहा मुझे,
ये हमारी खाला थोड़ी लापरवाह हैं, मासी देख के साफ करके रखा करें हमेशा। ठीक है, बिल्कुल सफाई जो हमेशा ख्याल रखा था, क्यों का भी गंदगी ना हो जाए। प्यालो जो यूज़ कह शूँ यूज़ कह बिल्कुल साफ़ हो जाए। इनमें भी जी डेढ़ पा दही मलाई से गड हुए, खट्टी दही ना हो जाए कोशिश कजो। अच्छा, ब्रेक जो टाइम थे पे का शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, ब्रेक का पोची रेसिपी कंटिन्यू कह। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से होने का पहले ही तुम सामू जो बिरयानी है वो दम से आए इतने अस फ्रूट की कटिंग में क्या पो जो फ्रूट योगर्ट है पोड़ी खुशखबरी है जो अनाउंस क्या पो कि हाँ यूट्यूब से मुझा प्रोग्राम जो कल का प्रोग्राम हलन पाया। ठीक है, यूट्यूब से तक मिल टाइप कजो उत यूट्यूब से वही कुकिंग विद शेफ फैसल। ठीक है, कुकिंग विद फैसल, सॉरी कुकिंग विद फैसल सिंध टी वी एच डी, कुकिंग विद फैसल सिंध टी वी एच डी। ठीक है, हाँ तुम यूट्यूब से मुझे प्रोग्राम ऐसी सोता फॉरन हिंर भी होंद हलो हों ती सोता कुकिंग विद फैसल, कुकिंग विद फैसल सिंध टी वी एच डी। ठीक है, स्पेस ना दिजो, बस गड लिखी छो कुकिंग विद फैसल जो प्रोग्राम जो नालो है सिंध टी वी एच डी लिखो तो मुझे प्रोग्राम खुली वा। हाँ डेली तक उत को परेशानी ना होंगी, जो लाइट जो मसलो है कुछ आए तो जब लाइट हुए ना हो तुम यूट्यूब से ऐसी सोता। ठीक है, आज से सिंध टी वी का जो मेरा प्रोग्राम है आप यूट्यूब पे देख सकती हैं, अभी भी होगा तो आप देख सकती हैं। आज से डेली जो भी लाइव शो हैं मेरे सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। और कुकिंग विद फैसल सिंध टी वी एच डी, ठीक है, स्पेस नहीं देना है आपने, इस तरह लिखना है कुकिंग विद फैसल सिंध टी वी एच डी आप लिखेंगी, आपको यूट्यूब पे आज से मेरे सारे लाइव प्रोग्राम्स मिलेंगे। और ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है सिंध टी वी की तरफ से, क्योंकि सिंध टी वी नेटवर्क का ये पहला हमारा चैनल है जो एच डी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। सिंध टी वी नेटवर्क जो ये पहले चैनल है जो एच डी यूट्यूब से है, इनका फ़ायदो खो सजा प्रोग्राम्स तक मिलता, मुझे प्रोग्राम इतने तक यूट्यूब से हाँ डेली तुम ऐसी सोता। ठीक है, हिंसर वो प्रोग्राम भी तक मिली वो फॉरन जडे भी तक मसलो है लाइट ना है या तक किथे वयल हो को इशू है तक मस तींदा हो ना कि अदा प्रोग्राम असके कंप्यूटर से ऐसो हो जो नेट से ना है तो हाँ अज का इनशाला तक मिल। ठीक है, अज अनाउंस क्या पो तो हिंसर मुख्य खबर पी है तो मैं तक बुधा पो। ठीक है, अच्छा इस तरह स्ट्रॉबेरीज काटते हैं, फिर हम इसके बाद आपको मैसेजेस के रिप्लाई भी करता हूँ। मैं स्ट्रॉबेरीज भी काट लें, बस हसब ज़रूरत बहुत ज़्यादा ना हो, फ्रूट ये काफ़ी हैं। अच्छा, दही को अच्छी तरह बीट करेंगे, फ्रूट योगर्ट लाए दही के चंगी तरह फेटन दो, इनमें विझन दो खंड तकरीबन 6 खंड जा चमचा 6 टेबल स्पून चीनी डाल के अच्छी तरह दही को बीट करें, क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह बीट किया, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, जेली जो जमा के रखी थी ये एक कप जितनी, हाफ साशे वाली ले लें या फिर हाफ पैकेट इसका जमा दें। ठीक है, ये भी आपने इस तरह तोड़ देनी है, इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देनी है, ग्रीन शेड आ जाएगा, कोई भी कलर की ले सकते हैं जेली। ठीक है, कें भी कलर की जेली विझी सको था, मैं इनमें साई कलर की विझी है, बिल्कुल पेस्ट ना करे छो, थोड़ा इंजा पीसिस रहन दीजो। ठीक है, यो थी वो इनका मन में विझंदी किशमिश, हाफ कप पानी में पिसाए रखियल हुई धोतल हुई। ठीक है, किशमिश विझण का डूंगी पीठल अध कप, पिसावा नारियल हाफ कप, किशमिश मैंने इसमें डाल दी हाफ कप, पानी में भिगो के रखी थी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट में केले हैं 4 अदद, स्ट्रॉबेरी है 6 से 8 अदद, छोटे चंक्स कर दें। उसके बाद इसमें क्या डाला है, चीकू 2 बड़े या 4 छोटे चीकू डाल दें जैसे आपको ईजी लगे, बहुत मज़े का बनेगा ये स्वीट डिश, की स्वीट डिश है, फ्रूट का फ्रूट है और दही इसमें है सबसे ज़बरदस्त, ये बहुत ही ताकतवर, बच्चे जो दही नहीं खाते फ्रूट्स नहीं खाते उनको आप इस तरह बना के दें, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये ज़्यादा पोर्शन है, आप कम पोर्शन में भी बना सकती हैं। ठीक है,
ये थी वो मिक्स, हल्के हाथ से मिक्स कर जो फ्रूट टूटे ना, ठीक है। हल्के हाथ से आपने इस तरह मिक्स करना है फ्रूट योगर्ट। देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया, हर तरह के इसमें कलर्स आ रहे हैं। ये आप इस तरह बनाएं, जो फ्रूट अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉबेरी नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ना है तो सिर्फ केले जो ठाई सको था, सूफ विझी सको था इनमें, पपीतो विझी सको था इनमें, नौ नारंगी ना विझी जो छाकण तो पानी छे थी, ठीक है। बादाम हाफ कप जितना चॉप थियल हलिया हुआ बादाम डाल दिए चॉप किए हुए, और इसको हम अब एक अच्छे से बॉल में निकाल देते हैं। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट फ्रूट योगर्ट, इसको बॉल में निकाल देते हैं, ठीक है। सिंपल सा मज़ेदार सा बना हुआ, और बड़ा इसको थोड़ा ठंडा करके आप सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगेगा ये आपको, ठीक है। थदो करे खाए जो वधिक थदो ना, बस थोड़ा थदो करे बारन के लिए। तमाम ज़बरदस्त है फ्रूट योगर्ट थी वो तैयार, मां भी थोड़ा खाई दिखा, बेहतरीन ठहुआ। चाहो तो कंडेंस मिल्क भी जी सको था, चाहे उनमें फ्रेश क्रीम अगर आए तो वो भी जी सको था, फ्रेश क्रीम हो तो वो भी आप इसमें हाफ कप डाल सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर ऑप्शनल दे है, इसका अपना ही फ्लेवर है, क्योंकि फ्रूट का फ्लेवर ख़त्म नहीं करना है हमने, दही की जो खटास है वो ख़त्म नहीं करनी है। इनके दम अच्छी भी हुआ, ठीक है। इनके भी कढ़ी था मिक्स करें बिरयानी के, देखें इसको हल्के हाथ से आपने इसका मिक्स करना है। इसका ओरिजिनल कलर होता है, इसमें आपने कुछ कलर नहीं मिलाया, ना इसमें हल्दी है ना लाल मिर्च है पिसी हुई। जो आप लोग बिरयानी कह रहे थे अकरम की बिरयानी, वो बिल्कुल सेम वही कलर है, ठीक है। हैदराबाद जी आ ही रेसिपी, हैदराबाद में तमाम मशहूर आई है बिरयानी, वह मैं तक ठाण सिखारी है। हल्के हथे से मिक्स कर, इनमें साए मिर्चन जो आही फ्लेवर हों, कुटियल गाढ़े मिर्च सॉरी लौंगी मिर्चन जो फ्लेवर हों, ठीक है। ये डिश आउट करते हैं, फिर इसके बाद मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, जितना टाइम होगा आप लोग के सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। दोबारा बताता हूँ चलूँ कि यूट्यूब पर आपको मिलेगा मेरा प्रोग्राम अभी से ही, बल्कि ठीक है, यूट्यूब पर HD पे सिन टीवी का ये पहला, बल्कि सिन मीडिया का ये पहला चैनल है जो HD है, और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं सारे प्रोग्राम, ठीक है। मेरा प्रोग्राम आप टाइप करेंगी यूट्यूब पे कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी, स्पेस नहीं देना, थिंक सिंध टीवी HD लिखेंगी तो मेरा प्रोग्राम आ जाएगा, आज का अभी का और कल वाला भी आ जाएगा, ठीक है, जो कल का गुजरा तो आप लोग देख सकते हैं। इन तरीके से ये असांजी ज़बरदस्त बिरयानी, अकरम जी बिरयानी नालो वठण ना खपे, लेकिन मां हिने करे चाहां पियो जें फरमाइश कई हुई, ही तमाम फेमस है, मां भी जडे हैदराबाद वेंदो आहियां तो ज़रूर हुते खाईंदो आहियां ही बिरयानी, त हिने करे तव्हांखे ठाहिण सेखारी आहे। इनशाला सभिनी जी फरमाइशूं पूरियूं थींदियूं आहिनि, का परेशान न थींदा कयो कि मुंहिंजी फरमाइश रहिजी वई या मुंहिंजी रहिजी वई, टाइम सां मूंखे हर शइ यादि हूंदी आहे, मां चेक कंदो आहियां, घर वञी डायरी में लिखंदो आहियां, पोइ ॿिए ॾींहुं मां सभु लिस्ट ठाहींदो आहियां, पोइ मूंखे यादि हूंदो आहे कहिड़े ॾींहुं कंहिंजी रेसिपी ठाहिणी आहे, ते मां कंहिंजी बि अहिड़ी रेसिपी न आहे जो ना ठाही हुजे, ठीकु आहे। इन करे ये हो गया, अब इसके बाद ब्राउन प्याज इसके ऊपर डलेगा, ठीक है। वो भी इसी तरह प्लेट में सर्व करते हैं ब्राउन प्याज के साथ। हाँ, जी हाँ साहिब, ठीक है, ये हो गया हमारे बिरयानी कंप्लीट। आए हाँ मैं तक मैसेजेस पढ़े बुधाएं तो, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ईजी आई क्विक रेसिपी हुई अकरम जी बिरयानी उन फ्रूट योगर्ट, ठीक है। ये रेसिपीज तुझे सामू अची वही हूँ, फ्रूट योगर्ट और अकरम की बिरयानी मैंने आपके सामने बना दी है, आप लोग ये देख सकते हैं। दोबारा बता दूं कि YouTube पे मेरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं एनी टाइम जब आपका दिल करे, HD में कुकिंग विद फैसल सिन टीवी HD आप टाइप करेंगे, ठीक है। HD में मुझे प्रोग्राम अची वो सिन टीवी यूट्यूब पर टाइप कर, जडे तक खबर सजा प्रोग्राम मुझे उतने हाँ तक मिलता, कल वो प्रोग्राम भी अपलोड है कुकिंग विद फैसल सिन टीवी HD, ठीक है। हाँ ऐसू तो इतने मैसेजेस कंजा आया हैं, नारे जो पारी आहिन, सलाम भाई आपका शो बहुत अच्छा है, और भाई आप चिकन ब्रोस बनाना सिखाएं, मैं
सर फ्रॉम टंडो जाम से, ठीक है मैं बना दूंगा ब्रोस्ट, ठीक है। मिशल खान आइन बिरयानी योर शो सो नाइस फैसल भाई, मुझे कस्टर्ड की रेसिपी बताएं, बताइएगा प्लीज़ कुछ अलग तरीके से प्लीज़। ठीक है आप मेरे पेज पे जाएं, कस्टर्ड की कुछ ट्राइफल्स की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, फिर मैं जल्द ही बना दूंगा, ठीक है। पेज पे फ़ोटोज़ में जाके देख लें। अच्छा अलीज़े मेमन है, अलीज़े मेमन फैसल भाई आज तो बहुत अच्छी और बहुत आसान ही ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है ये बिरयानी आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है अलीज़े। और कौन है फरहान, फरहान अली हैं, फरहान अली अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम फरहान अली है फ्रॉम लाहौर, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय शो। फरहान अली आप लाहौर से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। फरजाना शाकिर रेगुलर कॉलर है, हमारी कॉल्स ले नहीं पा रहे, तो फरजाना शाकिर की कॉल है, आपका शो बहुत अच्छा है और आपको और आपकी टीम को सलाम। 23 मार्च को आपने कड़ी बनाई थी प्लीज़ वो रेसिपी अपने पेज पे डालें, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है मैं डाल दूंगा आज, ठीक है मुझे थोड़ा बिजी था तो मैं डाल नहीं पाया। अच्छा जोया नूर हैं, जोया नूर भाई आपका शो कब रिपीट होता है? जोया नूर सुबह 11:05 पे रिपीट होगा और यूट्यूब पे अब आपको मेरा ये वाला शो मिल जाएगा, बल्कि अभी मिल जाएगा, जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा आप वहाँ पर देख सकती हैं पूरा शो, ठीक है। कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD आप टाइप करें तो आपका मिल जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। सभी जहाँ मैसेजेस में पढ़ी छड़िया, सुबहाने नई रेसिपी से अगर वरी मुलाकात थी वरी बुधाई छा कि ही जो मुझे प्रोग्राम है तक सिंध टीवी जो जो प्रोग्राम है यो तक यूट्यूब से मिली वो सिंध मीडिया जो वाहिद चैनल है जो HD यूट्यूब HD तक मौजूद मिलता हर प्रोग्राम इन जहाँ तो उतने तुम ऐसी जितना भी लाइव शोज आन सभी के तुम यूट्यूब से ऐसी सोता ये सुबह जो 11:05 रिपीट भी हलो, ठीक है। सुबह 11:05 पर रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ अस्ता मेरा पेज है, रेसिपी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD आप लिखेंगे वहाँ पे ये प्रोग्राम आपको पूरा मिल जाएगा, आप वहाँ पे शो देख सकते हैं मेरा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सुबह ने वरी मुलाकात थी पंदो खोर सारा ख्याल रख जो दुआओं में याद रखे जो तेज नहीं लाफ है। हंसने से खिलता है।